रहा हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कौमी यकजहती की मिसाल है, हिंदू मुसलमान ईसाई और सबने में तो गौरव है हमारे चर्च पूरी दुनिया के अंदर। IAS के 60% इंटरव्यू में अगर हमारे क्षेत्र का कोई बच्चा जाता है तो सपना चर्च का जरूर उससे सवाल पूछा जाता है। तो ये पहचान है और इतना बढ़िया मेला लगता है, लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये बात मैं इसलिए कह दे रहा हूँ कि बाकी समय की चूंकि बहुत बात अनिवार्यता है, बहुत कमी है हमारे पास, इसलिए मेरा निवेदन है बहुत महत्वपूर्ण लोग सब यहाँ पहुँचे हैं, सभी विभागों के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, मंच पे हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब आगे हैं देने के लिए, आज के प्रशासक है हमारे इंस्पेक्टर आदरणीय मुफीद मलिक जी यहाँ मंच पर है, भाई निजाम अंसारी जी चेयरमैन साहब, फादर पाक्यनाथन जो चर्च के यहाँ एक इंचार्ज है। आप लोगों की सहयोग से ये मेला को हम बहुत महत्वपूर्ण रीति से हम ये संपन्न करते हैं, इसके लिए ये सारे समुदाय आप सबों पर आभार प्रकट करती है और आने वाले सालों में भी यानी इस साल के त्यौहार और आने वाले त्यौहार में भी आपका सहयोग जरूर रहेगा आशा प्रकट करता हूँ। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ हर साल की तरह, क्योंकि ये पहले साल नहीं है, आप लोग करते आ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है क्या क्या करना है, क्या क्या व्यवस्था करना है, फिर भी जैसे पिछले साल आप लोगों ने किया है कोई व्यवस्था के लिए आप लोगों से मैं ये जोरदार से निवेदन करूँगा, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है ये पुलिस व्यवस्था। मैं इस साल के लिए ये मेरा है नाव दस्त का, लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं ये देखता हूँ कि 2-3 दिन पहले से ही लोग आने शुरू करते हैं, यानी फिरोजपुर द्वार से ही आने शुरू कर दिया। मैं इस हिसाब से मैंने ये सूचना दी है कि 2 दिन पहले से ही ये पुलिस व्यवस्था के लिए सिक्योरिटी का प्रबंध करने के लिए मैं मांग रहा हूँ। हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम सब लोग एज ए होस्ट एज ए मेजबान ऐसी व्यवस्था करें कि उन लोगों को तकलीफ ना हो, बाकी कोई याद करें कि उस जगह गए थे तो वहाँ अच्छी व्यवस्था। मैं सभी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जिस डिपार्टमेंट की जो ड्यूटी है वो उसकी पहले से व्यवस्था कर ले। मैं इसकी डिपार्टमेंट बाय स्क्रूटनी एक बार अपने स्तर पर दोबारा कर लूंगा। नगर पालिका का काम हमें काफी ज्यादा होता है, आप ये साहिबा को बता दें कि अपने स्तर से सारी व्यवस्था सूचित करा लें। ठीक है, दोनों पिछली बार तो मैं दोनों काम देख रहा था तो मैं उसको कहा गया था, लेकिन इस बार जो साहब पूछनी है तो आपको बता दीजिए जो भी व्यवस्थाएं होनी है आपको मैंने कहा था मैं फिर कर रहा हूं, इसमें कोई कोताही बता दी नहीं जाएगी। ये जो आप दुकानों का आवंटन करते हो उसमें जो है भाजपा की भूमिका रहती है तो आपको समझ में स्थापित करेगा कि कहीं कोई भाजपा उठा दे कोई आपको उठा दे इसमें दिक्कत हो जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको